प्रश्नावली 3.2 निकालो, नई किताब है पुरानी, मतलब अपनी किताब दे ही दो आप, वरना नई पुरानी किताब के चक्कर में। लाइक 3.2 का कौन सा? 3.2 के पहले का चौथा। देखिए ये तो हमने क्लास में बता दिया था, एक्सरसाइज 3.2 के पहले का चौथा नई किताब में, ये है 0.2 है और एक है 0.4 है। इस सवाल की समस्या दशमलव होगी, तो दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर लो, समीकरण एक और समीकरण दो, नई समीकरण आ जाएगी। समीकरण एक को गुणा कर लो 10 से तथा समीकरण दो को गुणा कर लो, आ जाइए। जब एक से 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x + 3y = 13 और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x + 5y = 23। समीकरण तीन और समीकरण चार, जो प्रक्रिया आप एक और दो के लिए अपनाते हो उसके लिए अपना लोगे, 3 और 4। चलिए और बताइए, और कोई समस्या? अपनी किताब बेटा, आपकी समस्या चौथे पार्ट की है। ठीक, प्रश्नावली 4.1 की कौन से क्वेश्चन की समस्या है? सर दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा, ठीक है, ये हमने कराया भी नहीं था। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय बराबर चाल। देखो इससे नहीं, हमने ये पढ़ रखा है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर जो आएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में, ये आया कैसे सूत्र, चाल का समय से गुणा करो, चाल गुणा समय बराबर दूरी, और दूरी को इधर ले आओ, कोई नई चीज नहीं है भाई, तिरछी गुणा करते जो भाग कर रहा है गुणा करें, चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये बात समझ आ गई? अगर आप अपने घर से यहाँ तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हो, सामान्य मनुष्य की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और आपका घर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको आने में कितना समय लगेगा? आपकी चाल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सामान्य मनुष्य की चाल इतनी होती है, तो पैर में कोई दिक्कत है या मान लो धीरे धीरे चलना कोई गलत होता है, लेकिन अगर सामान्य चाल से चलेंगे तो मनुष्य 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है, और घर की यहाँ तक की दूरी मान लो 4 किलोमीटर है, तो कितनी देर में पहुंचोगे यहाँ? कैसे पता लगा? कुल दूरी को चाल से भाग कर दिया आपने, दूरी कितनी 4 किलोमीटर और चाल कितनी थी 4, भाग कर 8 किलोमीटर दूरी होती तो 2 घंटे लगते, 2 किलोमीटर दूरी होती तो आधा घंटा, और 1 किलोमीटर की दूरी है और 4 किलोमीटर मतलब तुम पैदल आ रहे हो, कितना लगा, 1/4 15 मिनट। आप देखिए गणित के हिसाब से चलोगे तो कभी स्कूल में लेट नहीं पहुंचोगे। ठीक है, चलिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यानी रेलगाड़ी जो चल रही है, रेलगाड़ी का समय लिखा होता है समय सारणी पे कि भोजीपुरा में इतने बजे आएगी और इतने बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी, तो इतने बजे आएगी ये पता कैसे चल रहा है? ये चल मान लिया जाता है कि रेलगाड़ी जो घर से वहाँ से चली है, जहाँ से भी वहाँ कभी रुकेगी कभी चलेगी, लेकिन अगर वहाँ से एक समान चाल से चलेगी, एक समान चाल जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो एक समान चाल, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है वो एक समान चाल। ठीक है, तो एक समान चाल का मतलब ये हुआ जो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर उसी चाल से हम कितनी दूरी तय करें, 480 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, ठीक, तो जो भी समय लगता है जब चाल उस समान चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, कभी कभी हो जाता है चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो जो समय लगा वो पहले वाले से ज्यादा लगेगा कम? अगर आप धीरे चलोगे तो ज्यादा लगेगा, तो पहले वाले समय से 3 घंटा आपको अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, जैसे हमने कहा सामान्य मनुष्य की चाल कितनी बताई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे रेलगाड़ी की एक समान चाल होती है, वो हम मान लेते हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान शब्द का प्रयोग किया नहीं है लेकिन ये साइलेंट, एक समान चाल कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे को एच आर लिख दिया है, तुम लोग परेशान हो जाओ, अरे कर देता हूँ, एक दो बच्चों को मिल जाए,
एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अभी बताओ 480 किलोमीटर अगर इतनी चाल से चलेगी तो कितना समय लगेगा? 480 किलोमीटर एक समान चाल से, तय कर लेंगे, लगा सकते, बताओ अपना। अब हमें कितनी चाल से चलना है, कितनी दूरी? 480 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा? समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 480। और चाल कितनी है? x। और समय का मतलब क्या होता है? समझ आ गया? अब क्या हुआ, चाल कम हो गई, कितनी कम हुई? किताबें दी है देखो, कितनी चाल कम हुई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गई। यानी नई चाल कितनी हो गई? जितनी भी चाल पहले थी कितनी थी? x, उसमें से कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर प्रति इतनी जो चाल थी उसकी अब हो चुकी। अब इसी चाल से अगर इतनी दूरी तय करेगा, इस चाल से, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से कम, x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से कितनी दूरी तय करनी है? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, बताइए इस चाल से कितना समय लगेगा? इसमें कितनी चाल, तो चाल कम हो गई ना, इतनी चाल से कितनी दूरी तय करनी है उसको, तो कितना समय लगेगा? दूरी बटा चाल। कितनी दूरी थी? 480। चाल कितनी थी? ये आ गया क्या प्रश्नानुसार? धन्यवाद। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, कि जो पहले समय लग रहा था कितना लग रहा था? ये जो समय था, ये जो नया वाला समय आया कितना आया? ये समय तब आया जब चाल कम हो चुकी थी। अब बताओ ये ज्यादा है ये ज्यादा? नया वाला जो समय है वो पिछले वाले समय से कितना ज्यादा है? कितने कितनी देर लग रही है उसको ज्यादा समय? कितना देर लग रहा है? 3 घंटे ज्यादा समय लगता है अगर उसकी चाल कम हो जाती है। तो ये वाला समय जो था वो तब है जब चाल कम हो गई, और जो पुराना समय था उससे 3 घंटे ज्यादा लगे। यानी पुराने समय जो जितने भी घंटे थे उसमें 3 घंटे जोड़ोगे तब ये जो चाल कम हुई है इसमें जो समय आ रहा है वो उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, अरे ऐसे समझो कि एक दिन आप यहाँ 1 घंटे में पहुंचे, ये यहाँ 1 घंटे में पहुंचे अपने घर से, अगले दिन ये मिल गए, बातें करते हुए आएंगे, चाल कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहुंचे यहाँ पे 20 मिनट में, तो दोनों के समय में अंतर कितना हुआ? ये 1 घंटे में तो वैसे आप पहुंच रहे थे, जब चाल कम हो गई, ठीक है, तो समय ज्यादा लगा, तो समय 20 मिनट थोड़ी लगेगा, समय तो फिर पता लगा पहुंचने में 2 घंटे लग गए, ठीक है। कितने घंटे लगे पहुंचने में? 2 घंटे। तो पहले वाले से कितने ज्यादा है? एक। ये नया समय आया ना, तो ये जो नया समय आया वो पुराने वाले से कितना ज्यादा है? एक। ये तो सवाल कर रहा है कि जब गाड़ी की चाल कम हो जाती है तो गाड़ी की चाल कम होने के बाद जो गाड़ी पहुंचती है वो 3 घंटे लेट पहुंचती है, तो 3 घंटे लेट होने का मतलब कितनी देर में पहुंचना चाहिए था उसको? इतनी देर में पहुंचना चाहिए, ठीक है, पहुंची कितनी देर में? इससे 3 घंटे लेट, ठीक। और ये कब हुआ? जब इसकी चाल कम हो गई थी, कितनी? 8 कम हो गई। तो ये हमने सूत्र से समय निकाला, तो ये दोनों समय तो आपस में बराबर होने चाहिए। अरे समझ आया? नहीं समझ आया? ये कौन सा समय है ये वाला, जब उसकी चाल कम हो गई, ये वही तो समय। ये कौन सा समय है? जब वो एक समान चाल से चल रहा था। दोनों समय में अंतर कितना है? दोनों समय में कितना अंतर है? समय 3 घंटे का समय है, तो या तो इसमें 3 जोड़ के इसके बराबर होगा या इसमें 3 जोड़ के इसके बराबर होगा। जब दोनों में अंतर 3 है तो या तो ये इससे 3 ज्यादा होगा या ये इससे 3 ज्यादा होगा। बताओ कौन सा वाला समय ज्यादा है इसमें, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। इन दोनों में कौन सा समय ज्यादा है?
घंटे ये ज्यादा है नहीं, ये वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है इससे? तीन घंटे। तो समीकरण बनाने के लिए जो हमारी परिस्थिति है उसी को तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि भाई पुराना समय ये था, इसमें तीन घंटे जोड़ोगे तो नए समय के बराबर हो जाएगा, और नया समय कैसे निकला? दूरी बटा चाल से निकला। चाल कौन सी ली? नई वाली जो कम हो गई थी। ऐसे सवाल अगर ज्यादा वाला होता, मान लो यहाँ प्लस होता, तो फिर ये तीन ही तरह था, क्योंकि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ गई तो बढ़ने पर तो ये समय कम हो जाएगा। जब ये कम हो गया, मैं बराबर का निशान लगा रहा हूँ, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ कुछ जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात दिमाग में रखो, सवाल घटाने वाले भी है, एग्जाम में हो सकता है घटाने का आ जाए। ये जब घटा है और ये समय ज्यादा है और दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर करने के लिए इसमें कितना ज्यादा करना पड़ेगा? ठीक है, अब हल करते हैं। हल करने का तरीका है, एलसीएम ले लो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करो, सबसे आसान तरीका ये है, तीन को यही रखो, 480 अपॉन x माइनस 8 इधर, और ये प्लस वाला इधर से आके माइनस। यहाँ कॉमन ले लिया हमने 480, कितना बचा? 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, और ये कितना है? 3। दोनों तरफ 3 से भाग कर दो, 3/3 और 480/3। यहाँ ले लो एलसीएम, ये तो कर सकते हैं दोनों तरफ 3 से भाग, यहाँ ले लो एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम लेने का क्या तरीका है? जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, हर में लिखा है, दोनों को गुणा करके लिख दो, ये वाले की यहाँ गुणा करके लिखो x से कम x, और ये वाले की यहाँ गुणा करके लिखो x माइनस 8, लेकिन ब्रैकेट। मैंने बताया था माइनस के बाद अगर कुछ लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? ब्रैकेट में। अब सर ये तो 1 आ गया, ये कितना आ गया? 3 × 3 = 16, ये कितना आ गया? x माइनस x प्लस 8 बटे x इंटू x माइनस 8, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, यहाँ तो लगा सकते हो, ये कट गए, कितना आ गया? 160 × 8, और ये इधर गुणा करेगा x इंटू x माइनस, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, और 8 × 48, और 8 × 8 = 12, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। हमसे केवल उसे समीकरण बनाने के लिए कहा है, हल करने के लिए नहीं। अगर कहता तो हम 1280 के ऐसे टुकड़े ढूंढ लेते, तो घटके कितने आ रहे हैं? 8 ढूंढे ये कर लो घर पे, क्योंकि आपसे सवाल केवल यहीं पर इतना ही कहा है उसने कि आप द्विघात समीकरण बना के छोड़ दीजिए, आपको इसको हल नहीं। चलिए आगे बताइए, कह दिया द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, द्विघात समीकरण बना के छोड़ देंगे, हो सकता है बोर्ड में आपके हल करवा ले, तो इसलिए आप इसको हल कर लीजिएगा। और बताइए, और कोई समस्या? देखो किताब में देखो बेटा, बोर्ड की तरफ नहीं। आप लोगों को पूछना है पहले पार्ट से लेके चौथे पार्ट तक, पूछ लो फिर मत कहना कुछ नहीं पूछना। चलो